छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब चार्जशीट फाइल कर दिया है। ये मामला वैसे तो 2016 की फरवरी का है, तब यह आरोप लगा था कि कन्हैया कुमार ने छात्रों के एक ऐसे ग्रुप का, एक ऐसे समूह का नेतृत्व किया जिन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी की थी। कन्हैया अब तक इन आरोपों का खंडन कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि 5 ऐसे वीडियो मिले हैं जिनमें कन्हैया कुमार और उनके कुछ साथियों को देश के खिलाफ नाराबाजी करने वालों का नेतृत्व करते हुए देखा जा सकता है। इसी आधार पर चार्जशीट फाइल की गई है। कन्हैया इन दिनों अपने गांव में बिहार में हैं। हमने वहां कैमरा भेजकर और फ़ोन पर उनसे सवाल करके इस बात को समझने की कोशिश की। कन्हैया जी, अब तक आप कहते रहे थे कि ये आरोप गलत है, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि 5 वीडियो मिल गए हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आरोप पत्र दाखिल हुई है, ये खबर मीडिया के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुई है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय या फिर पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। जहां तक आरोप पत्र में क्या लिखा हुआ है इसका सवाल है, तो आरोप पत्र की कॉपी हमारे लॉयर को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं जिसमें दो बात मुख्य रूप से हमारे खिलाफ कही जा रही है, एक तो ये कि आपको इस कार्यक्रम की जानकारी थी और आप जो है उस वक्त मौजूद थे जब ये तथाकथित देश विरोधी नारे लगाए गए, ये दो बात जो है वो कही जा रही है। उसमें पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी तरीके से कार्यक्रम का परमिटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। परमिशन देने का काम जो है वो वाइस चांसलर का है, डीन ऑफ स्टूडेंट का है। दूसरी बात, मेरी मौजूदगी में नारेबाजी होने की जो बात है ये पूर्णतः झूठ है। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि आप उस भीड़ में मौजूद थे, उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां देश के खिलाफ नारे लगाए गए। एक बार पहले भी JNU की जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी है, उस इंक्वायरी कमेटी ने भी यही दावा किया था कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास आई विटनेस हैं, कन्हैया कुमार जो है उस प्रोसेशन में शामिल थे जिस प्रोसेशन में नारेबाजी की गई है। लेकिन हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी के जो फाइंडिंग्स थे और जो सजा JNU ने हमारे ऊपर लगाया था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया। ये दो बार प्रयास किए मुझे फंसाने का, दोनों बार जो है माननीय उच्च न्यायालय ने इसको निरस्त किया। और जब हमारा PhD सबमिशन था तो ये हमारी PhD को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने सफलतापूर्वक अपनी PhD सबमिट की। मतलब जिस आधार पे आज आरोप पत्र को बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस मान रही है, वो आधार ऑलरेडी एक बार निराधार साबित हो चुका है, खारिज हो चुका है। रही बात कि आप नारेबाजी किए कि नहीं किए, इस संबंध में हम लोग बार बार कह चुके हैं कि नारेबाजी हम करते हैं लेकिन देश के खिलाफ नहीं करते हैं, देश के लोगों के लिए करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने देश के खिलाफ नारेबाजी नहीं की, लेकिन एक न्यूज चैनल ने वीडियो दिखाया था जिसमें आप मौजूद थे और वहां देश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। ये नारा JNU के किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लगाया, और मैं ये दावा करता हूँ कि पुलिस के पास इस तरह का कोई वीडियो यदि है तो वो जो है JNU के किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ है, तो वो कोर्ट में जो है प्रोड्यूस करें। हम लोग चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहे कि ये मीडिया के स्टूडियो में ट्रायल करने की बजाय कोर्ट रूम में ट्रायल शुरू कीजिए। अब अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, इस पे ट्रायल शुरू हो और जो फैक्ट्स हैं, जो सबूत हैं, वो पुलिस प्रस्तुत करे माननीय न्यायालय के सामने, अपने आप सारा का सारा चीज सामने आ जाएगा। हम तो ये कर रहे हैं कि चार्जशीट को फाइल करने में इन्होंने जो देरी की है, जो लेट लतीफी की है, अगली कार्रवाई में ये बात ना दोहराई जाए, स्पीडी ट्रायल हो और प्राथमिकता के सवाल पे, क्योंकि ये देश का सवाल है। अगर देश के खिलाफ कहीं कुछ बोला गया है तो सरकार के भीतर वो गंभीरता दिखनी चाहिए, पुलिस के भीतर वो गंभीरता दिखनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन न्यूज चैनल अब दावा कर रहा है कि उसका जो वीडियो था वो सही पाया गया है और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उस चैनल के वीडियो को भी कोर्ट के सामने रखा है। इंतजार कीजिए सर, इसमें एक महीन बात है जो बहुत चालाकी से बोली जा रही है। एक न्यूज चैनल वाले छाती कूट रहे हैं कि हमारा वीडियो सही पाया गया, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं कि जो वीडियो उन्होंने शूट किया, जो रॉ फुटेज है, वो तो सही ही होगा, उसको तो कहीं भी आप जांच करा लीजिएगा, वो सही होगा क्योंकि वो रॉ फुटेज है।
लेकिन जो इन्होंने मिक्सिंग की, जिस तरीके से इन्होंने उसको डॉक्टर्ड किया, उस वीडियो के बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इस संबंध में आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई थी, डीएम ने साफ साफ कहा कि कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा गलत वीडियो, डॉक्टर्ड वीडियो चलाए गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये दोनों बात को मिक्स कर दे रहे हैं कि हमारे वीडियो सही पाए गए और जो हमने वीडियो डॉक्टर्ड किए थे ये बात झूठी है। ये दोनों बात अलग अलग है। आपका वीडियो सही हो सकता है अगर वो रॉ होगा, लेकिन जो वीडियो आपने डॉक्टर्ड किया वो डॉक्टर्ड भी है और डॉक्टर्ड वीडियो भी चलाया गया है। आप इस बात को नकारते रहे हैं कि आप देश के खिलाफ नारेबाजी के समय मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि वीडियो के हिसाब से और वहां जो और सबूत मिले हैं उसके हिसाब से आप वहां मौजूद थे। देखिए, नारे लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं ये बात मैं तब दावे के साथ कहूंगा जब मैं वहां मौजूद होता। मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी, मैं बार बार कह रहा हूं, जेएनयू का कोई भी स्टूडेंट भारत विरोधी नारेबाजी नहीं करता है, देश को टुकड़े करने की बात नहीं करता है। ये वो लोग करते हैं जिनकी पूरी की पूरी राजनीति समाज को टुकड़े करने पे टिकी हो, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो सवर्ण अवर्ण की बात करते हैं, जो उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय की बात करते हैं। ये जो बांटने का काम है ये आरएसएस और भाजपा का काम है, ये जेएनयू के स्टूडेंट का काम नहीं है। अब सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस आखिरकार आपके खिलाफ झूठे आरोप क्यों लगाएगी? देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई शुरू से ही थी और इस संबंध में मैं एक जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये घटना फरवरी की बताई जा रही है, जबकि पिछले नवंबर में आरएसएस और पांचजन का आरएसएस का जो मुखपत्र है, पांचजन और ऑर्गेनाइजर, उसका मुखपत्र, उसका कवर स्टोरी था जेएनयू दरार का गढ़। ये मैं आपको नवंबर की बात बता रहा हूँ। नवंबर के बाद फिर अगली फरवरी आई और उस फरवरी के दौरान ये सारा का सारा पटकथा रचा गया। हम लोग शुरू से जानते हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक लाभ के लिए जेएनयू को बदनाम करने के लिए प्रयास किया गया। कोई पूछ सकता है कि क्यों जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू जब से ये सरकार आई है, इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ जेएनयू संघर्ष कर रहा था, जेएनयू सड़कों पे था, इस वजह से मोदी जी की आंख की किरकिरी बना हुआ था। और हम चूंकि वहां पे स्टूडेंट लीडर थे, वहां पे स्टूडेंट्स के हम रिप्रेजेंटेटिव थे, तो हमको भी इस आधार पे टारगेट किया गया। हमने बार बार कहा, लोग कहते हैं कि आप इतने बड़े आदमी थोड़ी हैं कि आपको टारगेट किया जाएगा। हमने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, हम बड़ा आदमी नहीं है, हम छोटा आदमी है, इसीलिए हमको टारगेट किया गया। मेरा नाम कन्हैया अंबानी होता तो यह सरकार जो है हमारी चापलूसी कर रही होती, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही होती। आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक लड़ाई है, तो क्या इस राजनीतिक लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई सिर्फ चुनाव से नहीं होता है, चुनाव भी उसका एक माध्यम है। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन देश की जो परिस्थितियां हैं उसमें गरीबों, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए ये लड़ाई हम जारी रखेंगे, इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट है। अभी हमने बात की कन्हैया कुमार से, जो इस समय बिहार के अपने गांव में है और इसका इंतजार कर रहे हैं कि अदालत की तरफ से चार्जशीट की कॉपी उनको मिले और फिर कानूनी तौर पर वो इस लड़ाई को लड़े। कन्हैया जी, इस बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।